आरंभ हो जाइए कार्तिक मास जोग निद्रा रे जीवे भगवान विष्णु। नमस्कार दर्शक बंधु, आज भिडियो को आपण मानक स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, आमर सनातन धर्म रे कार्तिक मासर एक विशेष महत्व रही आसी। हिंदू धर्म अनुसार कार्तिक मास को पवित्र मास बोली धरा जाए। यह चतुर्मासर शेष मास होता है। एही मासरे देव तत्व मजबूत होता है। यह छड़ा कार्तिक मासरे धन एवं धर्मर मध्य संबंध रही। एही मासरे तुलसी गछ लगाइबा एवं विवाह करिबा सर्वोत्तम रही थाए। एही मासरे दीप दान एवं दान करिबा द्वारा अक्षय शुभ फल मिलिथाए। हिंदू धर्म मान्यता अनुसार वर्षरे आसुतिबा प्रत्येक मासर भिन्न भिन्न महत्व रही। एही सबु मास मध्यरे सबुठारु श्रेष्ठ मास हेउची कार्तिक मास। एही मास सहित श्रीहरि विष्णुंकर मध्य गभीर संबंध रही। पौराणिक मान्यता अनुसार श्रीहरि विष्णु स्वयं कहिचंती जे कार्तिक मास मोर अति प्रिय मास अटे। धार्मिक मान्यता अनुसार एही मास स्वामी कार्तिकेय एवं नारायण को समर्पण करा जाए। एतद् व्यतीत शरद पूर्णिमा दिन राति माँ लक्ष्मी पृथ्वी पृष्ठ को आसी संपूर्ण कार्तिक मासरे भगवान विष्णुंकर निद्रा त्याग पूर्व संपूर्ण सृष्टिर व्यवस्था देखि थांती। कार्तिक मास श्रीहरिंकर अत्यंत प्रिय मास अटे। सेथिपाई माँ लक्ष्मींकर प्रिय मास मध्य कार्तिक अटे। एही मासरे भगवान विष्णु जोग निद्रा रे रही थांती। परे जोग निद्रा उठी समग्र सृष्टि रे आनंद एवं कृपा वर्षा करती। एही मासरे माँ लक्ष्मी पृथ्वी पृष्ठरे भ्रमण करती एवं भक्तों को अपार धन प्रदान करती। माँ लक्ष्मींकर कृपा पाइबा पाई प्रति मासरे धन त्रयोदशी दीपावली एवं गोपाष्टमी पालन कराए। एही मासरे विशेष पूजा एवं प्रयोग करने द्वारा अपार धन प्राप्त होता है एवं करजरू मुक्ति भी मिलता है। कार्तिक मासर त्रयोदशी चतुर्दशी एवं पूर्णमी को शास्त्र रे अति पुष्करिणी कहुई। स्कंद पुराण अनुजाई कार्तिक मासरे एही तीन दिन प्रातः स्नान करने द्वारा पुण्य फल प्राप्त होता है। एही मासरे भागवत गीता सत्यनारायण व्रत कथा एवं गीता पाठ विष्णु सहस्र नाम पाठ तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ए मंत्र को जप करने द्वारा प्राणी पापमुक्त होई भगवान विष्णुंकर अपार कृपा लाभ करि थाए। तबे एही मासरे निरामिष एवं पियाज रसुण बिना खाद्य खाइबा पाई परामर्श दिया जाय थाए। सूर्य किरण रे गाधोइबा द्वारा मध्य शरीर पाई उत्तम होइथाए। एही मासरे दीपहरे मध्य सुइबाकु मना करा जायछि। पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन रे तुलसी पूजा सबुठारु उत्तम बोली कहा जायथाए। एही मासरे तुलसी गछ लगाइबा एवं पूजा करिबार सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक मास होइथाए। कार्तिक मास सबुदिन उत्तम अटे। प्रत्येक दिन सकाळ एवं संध्यारे तुलसी चौरा निकटरे दीप प्रज्वलन करी पारिवारिक जीवन सुखमय एवं वैवाहिक जीवन पर प्रार्थना करंतु। एतद् व्यतीत कार्तिक मासरे मिथ्या कहिबा चोरी करिबा धोखा देवा जीव हत्या गुरुंकर निंदा करिबा भली काम सब करिबा अनुचित। एही मासरे एकादशी ठारू पूर्णमी पर्यंत भगवान विष्णु को प्रसन्न करिबा पाई खोला आकाश तले दीप लगाई विष्णुंकर मंत्र को जप करंतु।